दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ही ओडीआई मैच में भारतीय गेंदबाजों ने रच दिया है बहुत बड़ा इतिहास। इस पहले ओडीआई मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया। भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। इन्हीं सभी के शानदार गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया को काफी तगड़ा ब्रेक थ्रू मिला। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पहले ओडीआई मैच में बहुत सारी घटनाएं भी घटी जो आगे चलकर सभी को काफी ज्यादा हैरान भी कर गई। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने की शानदार गेंदबाजी और आज इस पहले वनडे मैच में ले लिया है हैट्रिक। जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं, आज एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करके दुनिया को साबित कर दिया है कि वही दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं। और मोहम्मद सिराज की ये हैट्रिक सभी को काफी ज्यादा आश्चर्यचकित भी कर रही है। एंड हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज के बॉलिंग के दौरान विवाद भी हो गया, इसके बाद मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी से लड़ भी गए। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक भारतीय टीम को और भी मोटिवेशन दे सकता है। देख लो गाइस आपका एक टीम भारतीय टीम के कितना काम आने वाला है, तो वीडियो को तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं और उस चीज से रूबरू भी करवाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज खेला गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला ओडीआई मैच। ये जो पहला ओडीआई मैच था ये बेहद ही रोमांचक मैच रहा। इस पहले ओडीआई मैच का टॉस जीता टीम इंडिया ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बॉलिंग करने आई इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 188 रनों पर ऑल आउट कर दिया। आज एक बार फिर से इंडिया टीम की तरफ से काफी शानदार बॉलिंग देखने को मिली। इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी और एमडी सिराज ने 3-3 विकेट हासिल किए और वहीं रविंद्र जडेजा ने टीम के लिए 2 विकेट लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरा 188 रनों पर ढेर हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करके 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज का तीनों विकेट ऐसा था कि मानो वो हैट्रिक ले लिए हों। दोस्तों टीम इंडिया की इतनी शानदार गेंदबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा डर गई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के डरने की वजह से उनकी टीम 188 रन पर ऑल आउट हुई। बाकी दोस्तों टीम इंडिया के बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। भारतीय टीम के बॉलर्स एक बार फिर से दुनिया में छा चुके हुए हैं। बाकी दोस्तों आपका भारतीय बॉलर्स के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।